नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। अभिनेता मनोज पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अभिनेता साहिल खान को और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पाटिल का इलाज मुंबई के अस्पताल में चल रहा है। मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के पूर्व विजेता मनोज पाटिल ने मुंबई के उपनगर ओशिवारा में अपने आवास कथित तौर पर नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पाटिल के मैनेजर परिनास ने बताया कि घटना बुधवार देर रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच ओशिवारा में साईलीला इमारत स्थित उनके घर पर हुई। पाटिल के परिवार वाले उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नास ने बताया कि पाटिल एक मॉडल है। कुछ दिन पहले पाटिल ने ओशिवारा पुलिस को पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने एक बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर उन्हें कथित तौर पर बदनाम करने और उनके पेशेवर जीवन में समस्या पैदा करने के लिए कार्रवाई की मांग की थी। नाज ने कहा कि उन्होंने उस अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाने की मांग भी की थी। इस बीच ओशिवारा थाने के अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी कपूर अस्पताल गए थे, जहां पाटिल भर्ती हैं। पाटिल का जन्म 1992 में हुआ था और उन्होंने 2016 में मिस्टर इंडिया मेंस फिजिक्स ओवरऑल चैंपियनशिप जीती थी। जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने साल 2015 में साहिल खान के खिलाफ 2 केस दर्ज कराए थे। दोनों ने एक दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। आयशा ने जहां साहिल को कहा था, तो वहीं एक्टर ने आयशा संग उनके ब्रेकअप का कारण था कि वह उनसे महंगे गिफ्ट्स और ट्रिप पर खर्चे हुए पैसे मांग रही थी। आयशा ने साहिल के खिलाफ उस वक्त केस भी दर्ज करवाया। अब मुंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को साहिल खान के खिलाफ आयशा श्रॉफ के द्वारा किए गए केस को खारिज कर दिया है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़।